तो आपने प्लस बना लिया। फिर एक नाप पे मैं दिखा देता हूँ ये कौन सा पीस है। आपको नाप पे एक पीस डालना है, कौन सा पीस है हम सेंटर पीस से देखेंगे। देखो सर लेकिन सारे मैच होने चाहिए, मैं आपके पास वीडियो भेज दूँगा। इधर से दो कौन सा पीस है ये, कौन सा हम सेंटर पीस से सब कुछ देखेंगे। कौन सा ये ग्रीन पर्पल वाइट, तो हम वो पीस ढूंढेंगे कहाँ पे है। ये रहा ग्रीन पर्पल वाइट, हम इसे अगर ये आपके सामने होता है तो इसे उधर करेंगे, इस लेयर को ऊपर करेंगे, वाइट को सामने ले आएंगे, इस तरफ कर देंगे, नीचे करेंगे तो ये यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। अगर ये ऊपर होता, देखो ये ऊपर है, तो बैठ सारा सोल हो गए तो ना। अरे तो बैठ जाओ ना। नहीं ना, तो देख सकते हो, देख सकते हो आप। अरे यार ऊपर करो थोड़ा, ऊपर थोड़ा, ये देख सकते हो ये आपका ऊपर है। तो आप क्या करोगे, R U 2 और ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट लेयर में। इसे उधर कर दो। अगर मैं ये किस बताना भूल गया, ये किस बताना भूल गया जिसके अंदर ये नापे होता है, तो इसके लिए आपको राइट लेयर को एक बार ऊपर करना है, यू को आगे करना है, आर को नीचे करना है। नहीं करवा लें तो खेल ला रहे हैं, अक्षित होगा ना। हाँ इधर अक्षित है, देख अभी नहीं मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। देखो आपका ही नापे एक इंसर्ट हो जाएगा, ये देख सकते हो, पकड़ भाजी ऐसे बनाओ, ठीक है अब बनाओ। तो ये पीस नापे ही है और उधर है, तो हम इसे कुछ ऐसे 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 करके नापे डाल देंगे, ठीक है। तो हम नापे देखेंगे। हाँ ये केस बहुत बढ़िया है आपके लिए। ये देखो अगर ये आपके नापे होगा तो आपको क्या करना है, राइट लेयर को एक बार ऊपर करना है, ऊपर थोड़ा थोड़ा, इस लेयर को उधर करना है, इस लेयर को नीचे करना है कि आपके बाहर आ जाएगा। फिर आप इससे बना सकते हैं, ये देख सकते हो मेरा नापे इंसर्ट हो गया है। तो ये पैर उधर है, हम ये अगर ये नापे सामने होते तो मैंने कहा था उधर करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, फिर इधर करेंगे, फिर इधर, आपकी एक फर्स्ट लेयर सोल्व हो जाएगी। ये देखो ऑरेंज है तो ऑरेंज मैच है, ब्लू है ब्लू मैच है, पर्पल के साथ पर्पल मैच है, ग्रीन के साथ ग्रीन मैच है। हाँ तो मैं ये बताना भूल गया था, हमारी लेयर लेयर बाय लेयर सोल्व होती है। अब आपको जो ये वाइट है ना इसे बॉटम में रख देना है, फिर एक कैसा पीस अपने को लेटा वहाँ से एक ऐसा पीस ढूंढना है जिसके अंदर येलो ना हो। इसके अंदर येलो है, हाँ देख सकते हो इसके अंदर येलो है, इसके अंदर हाँ एज ढूंढना है, इसमें नहीं। तो ये कौन सा पीस है, पीस है पर्पल ब्लू, तो पर्पल कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम उसके सेंटर पीस से मैच कर देंगे। ब्लू कहाँ पे है, इधर है, नहीं इधर है, राइट में है ना, तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, राइट लेयर को ऊपर करेंगे, यू को आगे करेंगे, और आप देख सकते हो जब हम इसे नीचे करेंगे ना एक बार तो हमारा एक पेयर बन जाएगा। उधर उधर करो, अपने क्यूब को भी रोटेट कर दो, ऊपर करोगे इधर करोगे इधर, ये देख सकते हो ना आप एक इंसर्ट हो चुका है हमारा। फिर हम एक और पीस ढूंढेंगे ऑरेंज का, इधर है, तो हम इसे फिर से यही एल्गोरिथम लगाएंगे, यू को आगे, भाई को बता रहा हूँ, आर को ऊपर करेंगे, यू को आगे, आर को नीचे, ये बन गया। ये लेफ्ट राइट में कर दो, हमने लेफ्ट में घुमाया, सीधा कर दो ना ऐसे ही, ऊपर करो थोड़ी। तो हम इसे कैसे करेंगे, अब इस लेयर को हम उस तरफ कर देंगे, इसलिए उस तरफ जाएगी, उस तरफ करेंगे, इस तरफ, इस तरफ, जैसे तो ग्रीन उस तरफ जाना है तो हम लेफ्ट तरफ मूव करेंगे, आर को ऊपर करेंगे, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे। तो देख सकते हो मजी से ऐसे पकड़ लो ना, ऐसे पकड़ लो, मैं ऐसे हाथ दुखने लग गया। ये देख सकते हो आपकी FTL कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो आपकी लास्ट टू लेयर्स सोल्व हो जाएगी। फिर ऊपर की तरफ आते हैं, अगर आपको एक लाइन मिलती है तो कैसे सोल्व करना है, ये देखो माजी ऊपर दिखाओ, एक बार मुझे दिखाओ, आप इसे कुछ ऐसे पकड़ लो, ठीक है, रुक जाओ माजी ऐसे दिखता नहीं है अच्छे से, ऐसे पकड़ लो, फिर उधर करो, उधर करो ना। हाँ अगर आपको एक लाइन मिलती है प्लेन कॉर्नर्स को छोड़ो, कॉर्नर्स को मत देखो, बस एजिस को देखो, तो आपको पकड़ना है
कि एक वर्टिकल लाइन हो, ऐसे नहीं रखना है कि आपके सामने हो, वरना आप डॉट पे चले जाओगे। ऐसे रखो, एक मैं आपको डॉट का केस दिखा देता हूँ। हाँ, तो डॉट होती है ये, अगर आपको डॉट मिलती है तो कहीं से भी पकड़ लो और ये एल्गोरिथम लगा दो। ऊपर कर थोड़े एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, देख सकते हो आप एल पे आ चुके हो। तो आपको ये पीस ऐसा लगाना है कि ये इधर हो, या ऐसा पकड़ना है कि ये पीस इधर हो और ये पीस इधर हो, और फिर इससे ही एल्गोरिथम लगा दो। लेकिन अब जिसको देखना है कॉर्नर्स को मत देखो, इन दोनों इधर को एक ऐसे हो। मैं आपको इजीली समझा देता हूँ, एक लाइन इधर बन रही हो, एक लाइन वर्टिकल बन रही हो, मतलब कि एक लाइन हॉरिजॉन्टल बन रही हो, एक लाइन वर्टिकल। तो फिर से ये एल्गोरिथम लगा देते हैं, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। देख सकते हो हमारा कौन सा केस आ गया, लाइन वाला केस आ गया। तो ये कैसे हमारी थर्ड लेयर बन रही है, लेकिन वो देखो आपके लाइन वाला केस आ गया ना, तो आपको इसे वर्टिकल रखना है। देखो हॉरिजॉन्टल नहीं रखना, आपको वर्टिकल रखना है और यही एल्गोरिथम लगा देना है। ये देख सकते हो आपका हो गया है ये, एक आपका एक ऊपर एक प्लस बन चुका है। फिर आप ढूंढना है तो आपको इन्हें मैच करके देख रहे हैं। तो देखो मेरे दो ये मैच हो गए। अगर आपका ये केस आता, मैं अगर दिखा देता हूँ, मैं अगर केस बनाता हूँ, तो मैं वो अगले केस में बताऊंगा। अगर आपकी दो पास पास वाले हो रहे हैं, अगर आपके दो बैक बैक वाले हो रहे होते हैं ना, एक नापे हो रहा होता है मैच इस एज से, और एक नापे मैच हो रहा होता है इस एज से, तो क्या है, सबसे पहला आपको ये एल्गोरिथम लगाने है। अगर आपका ये पीछे हो रहा कैसे, तो आपको ऐसे पकड़ना है कि आपके सामने हो, एक आपके बैक में हो, और ये एल्गोरिथम लगा देनी है। आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। अगर आपको अच्छे से ना दिखाओ तो एक और बार दिखा देता हूँ मैं थोड़ी सी ऊपर कर लो ना यार। ये देखो हमारी दी दो हो रहे हैं ना, एक बैक में हो रहा है, एक सामने हो रहा है, तो हम यही एल्गोरिथम लगाएंगे। आर यू टू आर प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम। ये देख सकते हो आपका एक ऐसा, आप इसे एक बार घुमा घुमा के देख लो, आपकी ये दो हो जाएगी मैच। ये देखो मेरा हो गया पिंक हो गया और एक ग्रीन हो गया। इस हमें कैसे पकड़ना है, ये जो एज है ना, ये वाली जो ये एज है ब्लू और ऑरेंज की, इन दोनों को स्वाइप होना है ना, तो ऐसे पकड़ना है कि एक फ्रंट में हो, एक फ्रंट में हो और एक आपके राइट में हो, और यही एल्गोरिथम लगा देनी है। आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। देख सकते हो अभी हमारे कोई से भी मैच नहीं हुए हैं, लेकिन जब आप एक बार इसे घुमाओगे तो आपके देखो ये भी मैच हो जाएगी। ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, पर्पल हो गया। अब आपको एक ऐसा भी कॉर्नर ढूंढना है जो कि सही जगह पे हो। देखो ये सही जगह पे है, इसलिए अगर मैं अगर स्वाइप करके दिखा देता हूँ, ये देखो पर्पल के साथ पर्पल मैच है, ग्रीन के साथ ग्रीन मैच है, ऊपर येलो के साथ येलो मैच है। ये चीटिंग हो जाएगी, इसलिए हम इसे स्वाइप ही रहने देते हैं, और उसे अपने फ्रंट में रखना है और राइट में रखना है, और एल्गोरिथम लगा देना है। एल प्राइम यू आर आर यू प्राइम लाइन बनगी, नीचे बेच दो। एल यू प्राइम एल प्राइम, और देख सकते हो ये देखो है। और आप अपनी सारी मैच कर दो और फिर से ये एल्गोरिथम लगा दो, बैक करके देख सकते हो। देख सकते हो हमारे ये भी सही हो गया, ये सही हो गया। कौन सा कलर है, येलो ग्रीन ऑरेंज, येलो ग्रीन ऑरेंज सॉरी येलो ऑरेंज ब्लू येलो
ऑरेंज ब्लू सही है, येलो पिंक ब्लू, येलो पिंक ब्लू सही है। और ये तो ये भी सही होगा। तो फिर आपको क्या रखना है, कैसे भी पकड़ लेना और ये एल्गोरिथम लगा देना, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, जब तक ये नाप इंसर्ट नहीं हो जाए, जब तक आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। देख सकते हो नाप इंसर्ट हो गया। अब ऐसे नहीं जाना कि उधर जाओगे, इसको अपने पास लेके आ जाना है। यू जो लेयर है ना, ये ऊपर वाली लेयर, इसे उधर कर देना है, मतलब कि लेफ्ट में, और यही अलग उधर लगा देना, आर एस डी डैश आर डी, आर एस डी डैश आर डी, आर एस डी डैश आर डी, आर एस डी डैश आर डी। देखो अब बन गया, हो गया। दूसरे को पास लाओ और यही अलग उधर लगा दो, आर एस डी डैश आर डी, आर एस डी डैश आर डी, आर एस डी डैश आर डी। हाँ, तो आप देख सकते हो जब आप यूट्यूब करोगे आपका फाइनली क्यूब सॉल्व हो जाएगा। बाय बाय गाइस।